हेलो रेसर फोर्स, दिस इज लकी द रेसर, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है गाइस आप सभी? मौसम चेक करो, कितना प्यारा मौसम है भाई। 5 बज रहे हैं, गर्मियों में ना 5 बजे इतनी धूप होती है भाई, लेकिन आज बहुत प्यारा मौसम है तो व्लॉग बनाएंगे। और आप लोगों को एक गुड न्यूज देनी है। गुड न्यूज ये है, और अगर हमारा छोटा भाई देख रहा है तो उसको भी ये गुड न्यूज देनी है कि उसके लिए हमने R15 ढूंढ लिया है। बहुत दिनों से भाई लोग हम R15 V3 ढूंढ रहे थे भाई। कुछ लोग ऐसे होते ना जिनको V4 नहीं चाहिए और V2 भी नहीं चाहिए, मतलब V2 वाले भी होते हैं भाई जिनको V3 और V4 नहीं चाहिए, उनको V2 ही चाहिए भाई। ऐसी फैन बेस है भाई V3 का, भाई मानना पड़ेगा। V3 R15 लवर्स भाई, सिर्फ उनको V3 चाहिए, तो हमारा छोटा भाई भी वही है V3 लवर। तो उसके लिए हमने भाई R15 ढूंढे हैं। V3 शायद भाई 2021 में आना बंद हो गई थी, 2021 की बाइक हमको मिल गई है बहुत अच्छी कंडीशन में। कल मैं निकल रहा था उस शॉप से, तो खड़ी थी वहाँ पे सेकंड हैंड डीलरशिप में, तो भाई मैंने देखा, मुझे काफी पसंद आई, तो मैंने सोचा चलो ठीक है अगले दिन हम जाएंगे, क्योंकि कल मैं मोटर व्लॉगिंग सेटअप में था नहीं। तो चलते हैं भाई लोग उस गाड़ी को टेस्ट करते हैं और चला के भी देखेंगे। सारी चीजें आप लोगों को भी बताऊंगा मैं, और मैं भी पूछूंगा भाई गाड़ी के जो भी डिटेल्स वगैरह है। तो चलो भाई लोग चलते हैं, और इस ब्लॉग को भाई लोग पूरा देखना, मजा आएगा। बाकी की बातें करते हैं मोटर ब्लॉग में। चेक करो गाइस हमारी GT, कोल्ड स्टार्ट मैंने 2 दिनों बाद दिया है। 2 दिन से खड़ी थी, थोड़ा सा डस्ट भी जमी है, बट अभी कपड़ा नहीं मारेंगे तो अभी साफ नहीं कर रहे हैं, अभी ऐसे ही लेके जाएंगे हमारी GT। अगर भाई हमारी GT में अगर डस्ट भी लगी है ना, तो भी भाई बहुत मस्त चमकती है, समझ रहे हो ना। और मौसम देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी गिरेगा। जल्दी से चलते हैं और जल्दी से वापस आते हैं भाई, भीगना नहीं है ना अपनी GT को, भिगाना है भाई। ठंडा ठंडा फील हो रहा है, बहुत प्यारा। चलो 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 चलो, GT को निकालते साथ एक चीज देखो गाइस, इसमें फ्यूल नहीं है। हमारा छोटा भाई है ना भाई, हमको मैसेज कर रहा था भैया बाइक नहीं है, बाइक जला दो। और सही बात है भाई, जब बाइक नहीं होती तो काफी ज्यादा दिक्कत होती है भाई। वो मेडिकल लाइन में, उसका मेडिकल स्टोर है, तो उसको बड़ी दिक्कत हो रही है अभी यहाँ वहाँ जाने में। तो उसको हम भाई बाइक दिलवाएंगे। मैंने उसको बोला था कि मैं बाइक दिलवाऊंगा तो ऐसी दिलाऊंगा कि जो कि बहुत अच्छी होगी, कंडीशन में ऐसी होगी, क्योंकि हमारा भाई यूपी में रहता है भाई, उसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम जरूर लिया है, लेकिन मैंने उसके लिए भाई बहुत अच्छी बाइक ढूंढ लिया हूँ। कल मैंने देख लिया था, कल मेरे पास मोटर व्लॉगिंग सेटअप था नहीं, तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया, इसलिए मैं आज निकला हूँ भाई। आज हम व्लॉग भी बनाएंगे, उस बाइक को चला के भी देखेंगे, साउंड वगैरह सब कुछ आप लोगों को सुनाऊंगा गाइस, मैं सारी चीजें बताऊंगा। ये देखो भाई, ये देखो भाई कैसे कैसे लोग हैं भाई मुझे तो समझ में नहीं आया अंकल ने किया क्या यार, इतना क्यों घबराना भाई, ऐसा नहीं होगा यार। उतनी दूर से ही चौक टाइप के गए, नहीं चौक जाते हैं भाई, एकदम से शौक हो जाते हैं, उस टाइप की चीजें हो गई भाई, ऐसा नहीं करा करो यार। नहीं भेड़ेंगे भाई, नहीं भेड़ेंगे। बाकी गाइस मौसम देख रहे हो, मौसम चेक करो, पानी बहुत तेज आने वाला है, ऐसा ना हो तुम्हारा भाई भीगता हुआ घर वापस जाए। जल्दी से पहुंचना पड़ेगा भाई, जल्दी से पहुंचना पड़ेगा। आज 31 तारीख है भाई, हर महीने की लास्ट तारीख को ना, जो आखिरी दिन होता है ना महीने का, उस दिन भाई सरकारी एम्प्लॉय रिटायर होता है, तो वहाँ रिटायरमेंट हो रहा है। देखो ये व्हीकल फैक्ट्री है, और व्हीकल फैक्ट्री के बाहर जो भी अंकल या आंटी रिटायर हो रहे होंगे, उनके लिए सेलिब्रेशन वगैरह हो रहा है। देखो ऐसा होता है भाई, मैं इतना भुलक्कड़ हूँ ना भाई, ग्लव्स पहनना भूल गया यार, मेरे साथ ऐसा होता ही है, बहुत भूलता हूँ भाई मैं, मजाक नहीं, मेरे जैसा कौन भूलता होगा यार, मेरे जैसा कोई नहीं भूलता होगा गाइस। अभी भाई हमारे घर के पास की रोड्स बन रही है, चेक करो, जो सबसे बेकार रोड थी ना, अब वो सबसे अच्छी रोड बन चुकी है। इस बात की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। ये चेक करो भाई, रोड्स चेक करो आप लोग बस, ये रोड्स बहुत बुरी हुआ करती थी एक वक्त, बहुत अच्छी बन गई है। हम अगर आप लोगों ने ईयरफोन्स लगाए होंगे भाई, तो आपको मजा तो आ रहा होगा साउंड सुन के। वाओ यार, क्रैकर मारी भाई, क्रैकर। ये क्या हो गया भाई? अरे मैं तो डर गया था यार, आग तो नहीं लग गई? बाकी हुआ क्या था गाइस बताता हूँ। देखो एक फैक्ट्री और है, ये GCF फैक्ट्री है, और आज कौन सी तारीख? आज 31 तारीख, तो यहाँ बॉम्ब फोड़ रहे हैं। यहाँ पे भी भाई किसी ना किसी अंकल या आंटी का रिटायरमेंट हुआ होगा। चेक करो रिएक्शन, ये देखो भाई, तो यहाँ भी भाई सेलिब्रेशन वगैरह चल रहे हैं। आज 28 हो रहा है, ज्यादा टाइम नहीं हो रहा है, बट आज का मौसम गाइस, मैं चाहता तो 3-4 बजे भी निकल सकता था, बट भाई निकला नहीं जा रहा था भाई। जो वक्त होता है ना 3-4 बजे का, जो धूप लगती है उस वक्त, तो आप लोग भी नहीं निकलना गाइस। मैं तो कितनी बार निकला हूँ भाई, आज मेरी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि भाई हमको डेली आप लोगों के लिए ब्लॉग लेके आना है भाई, बीमार नहीं पड़ना है। भाई चेक करो, आ चुके हैं भाई लोग, चल के आप लोगों को दिखाते हैं भाई R15 जो हमने पसंद करी है। हाँ भैया कैसे? बढ़िया भैया एकदम।
निकलवाओ ना गाड़ी, गाड़ी हो गया। हो गया किसका तो बात हो गई आपकी, एक दिन में बिक गई यार भैया। कितने में गई? 135 का हुआ। हो गया और कोई दूसरी? इस टाइप की नहीं मिल पाती ना अच्छी गाड़ी। हाँ चलो ठीक है भैया, आएगी तो बताना, नंबर ले लो फिर फोन करना। चली गई गाइस ये वाली गाड़ी, कोई बात नहीं, गाड़ियाँ तो बहुत आती रहती। क्यों भाई है कि नहीं? बहुत आती है, सही बात है। हाँ नहीं वो लग रही है अच्छी। ठीक है भैया बता देना, कॉल कर देना, आ जाऊंगा। भाई लोग गुड न्यूज़ हमारी बैड न्यूज़ में बदल चुकी है, ये वाली बाइक हमको नहीं मिली, ये वाली बाइक चली गई। और थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा है, इतनी अच्छी बाइक हाथ से निकल गई, बहुत अच्छी कंडीशन में थी यार, एकदम नई जैसी थी और V3 थी। तो अब क्या बताएं यार, अब ये चीज़ लाइफ में एक सीख मिल रही है भाई कि कोई भी चीज़ अगर आपको पसंद आ रही है ना तो उसको तुरंत डन करो, कल के भरोसे मत छोड़ो। कल के भरोसे छोड़े तो कल वो किसी और की हो जाएगी, वही चीज हुई हमारे साथ। भाई लोग बुरा लग रहा है यार थोड़ा सा, यार बताओ यार ये क्या हो गया, आज मूड खराब हो गया यार, ऐसी चीजों में मूड खराब हो ही जाता है। चेक करो अब कहाँ ढूंढे, ये भी सेकंड हैंड डीलरशिप है भाई, लेकिन वैसी बाइक हमको कहीं नहीं मिली। बाकी गाइस आप लोग भी ढूंढो यार, आप लोग भी बताओ अगर कोई बाइक हो आपकी नजरों में, R15 चाहिए V3 भाई, बैड लक ही बोलेंगे इसको और क्या बोलेंगे। कल मैं देख के गया हूँ, कल मैं बात भी करके गया हूँ बहुत अच्छे से, और आज पता चल रहा है भाई की गाड़ी चली गई। आजकल भाई हमारे जो काम है ना वो बिगड़ते जा रहे हैं, बन कुछ भी नहीं रहा भाई। उस वाले पेट्रोल पंप में ना बहुत भीड़ थी, तो हम ये वाले पेट्रोल पंप आ गए। पेट्रोल डलाओ तो भाई 510 का ही डलाओ, 500 का नहीं डलाओ। ये चेक करो भाई 510, 510 अंकल जी थैंक यू सो मच। भाई मूड खराब हो गया यार, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ सही में यार। बहुत मन से आया था, बहुत दिल से आया था यार कि भाई गाड़ी चला के देखेंगे, बहुत सारे सपने संजोए थे मैंने, चला के देखेंगे भाई, आप लोगों को सारी चीज़ें बताएंगे, डिटेल देंगे, साउंड सुनेंगे, भगाएंगे भाई, सब पानी में फिर गया, पानी में। क्या कर सकते हैं भाई, भगवान को मंजूर नहीं होगा, नहीं हुआ, चलो क्या कर सकते हैं, सफ़र की तरफ आगे बढ़ते हैं। भाई का नाम अंशुल है और है हमारा साहिल। तो ये जो बाइक देख रहे हो ये R15 V4 है, चलो इसको चलाते हैं, भाई की गाड़ी की टेस्ट राइड लेते हैं। अभी तो नई नई गाड़ी है भाई, वाइट कलर अभी नया आया है। ये खड़ी भाई अपनी GT, अब R15 तो मिली नहीं भाई, तो V3 नहीं मिली तो V4 को चला के भगवान को जो मंजूर होता है वो हो ही जाता है भाई। अच्छा चल रहा है भाई, बहुत स्मूथ चल रहा है, एक शिफ्टर इसका। आरन भाई चलाने में मजा तो आता है भाई, बेबी मॉन्स्टर लगती है ये मुझे, 150 cc में काफी अच्छी लगती है भाई ये गाड़ी मुझे। और हम जो ले रहे हैं भाई, हम तो V3 ले रहे हैं लेकिन मिली नहीं पा रही है, क्या बताएं गाइस। मजा आता है भाई इस गाड़ी को चलाने में, जो सबसे ज्यादा फन ऐड हो जाता है ना भाई इसका एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर, वो हो गया ना भाई, तो इस गाड़ी को चलाने का मजा ना दुगना तिगना हो गया भाई। अब इसका क्विक शिफ्टर टेस्ट करते हैं। वाओ मक्खन चल रही है भाई, बहुत स्मूथ है भाई, बहुत स्मूथ है, बहुत ज्यादा स्मूथ है भाई। मतलब इसका कलर भी मक्खन, व्हाइट कलर, और गाड़ी तो मक्खन है ही भाई, नो डाउट। अभी थोड़ी वाइब्रेट हो रही है। नहीं नहीं फील हुई। अच्छा इसको भी ब्लू करा दिए थे क्या, DRL को? अच्छी लग रही है यार, चेक करो भाई लोग, ऐसा कुछ लुक है इसका भाई। क्या कर रही है ये, अभी तो पेट्रोल डलाया है इसमें, कभी कभी ना ये मिसिंग करती है पता नहीं क्यों। चलो भाई अब क्या कर सकते हैं यार, समय से पहले निकल जाते हैं घर की तरफ, पानी गिरने वाला है, कभी भी गिर सकता है। और आज बुरा दिन था, क्या पता कल अच्छा दिन हो और हमको बाइक मिल जाए भाई, R15 V3। अगर आप लोगों को मिलती है भाई कोई बाइक तो मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर बताना, नीचे मैंने यूज़र नेम दे दिया है। तो चलो कल मिलेंगे आप लोगों से अगले ब्लॉग के साथ, साइनिंग ऑफ, टेक केयर।